है एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। पिछले वीडियोस में मैं आपसे अल्ट्रासाउंड के बारे में बातें कर रही हूँ। थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो हम फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल्स के व्यू से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में जो इसी थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है। पहला कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन। आप सभी साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा ही होगा अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम अल्ट्रासोनिक बीम की बात कर रहे हैं, तो जब अल्ट्रासोनिक बीम एक इंटरफेस को एनकाउंटर करता है, दो मीडियम के बीच जब ये ट्रांसमिट होता है, तो अगर ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाए, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। और ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्ट्रासोनिक बीम ट्रैवल कर रहा है ऐसे एक मीडियम से जहाँ इसकी वेलोसिटी कम है, टू अ मीडियम जहाँ पे इसकी वेलोसिटी हाई रहेगी, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसका ये सिग्निफिकेंस है कि ताकि ये रिफ्रैक्शन ना हो, जब हम अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो ट्रीटमेंट हमें इस तरीके से करना होता है ताकि मेजॉरिटी ऑफ द वेव्स अलोंग द नॉर्मल ट्रैवल करे। तो इसीलिए हमें ट्रीटमेंट हेड को कोशिश करनी चाहिए कि परपेंडिकुलर रखा जाए टू द इंटरफेस बिटवीन द मीडियम। दूसरा कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन। अगर एक अल्ट्रासोनिक बीम ट्रैवल करे एक मीडियम से और फिर एनकाउंटर करे दूसरे मीडियम को जो कि उसे ट्रांसमिट ना होने दे, ऐसे में रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रासोनिक वेव्स एयर के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाते, सो हमें ट्रीटमेंट के दौरान इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ट्रीटमेंट हेड और पेशेंट के जिस पार्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं उसके बीच एयर ना रहे, ताकि हम रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज कर सके, और इसीलिए कॉपलिंग मीडियम का यूटिलाइजेशन होता है। हाउएवर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बुरी तरह से इस रिफ्लेक्शन को रोक सके। कुछ रिफ्लेक्शन होता ही है एट ईच इंटरफेस दैट द अल्ट्रासाउंड बीम एनकाउंटर्स, और इसीलिए हम बात करते हैं अबाउट एकाउस्टिक इम्पीडेंस। एकाउस्टिक इम्पीडेंस होता है रिफ्लेक्टेड वेव बाय ट्रांसमिटेड वेव। सो जितना कम होगा एकाउस्टिक इम्पीडेंस, उतना ही ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वेव्स की ट्रांसमिशन होगी, और वाइस वर्सा। सो दिस वर फ्यू फिजिक्स रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं कुछ और बातें करने वाली हूँ अबाउट थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड, सो स्टे ट्यून्ड।